नमस्कार दोस्तों, यदि आप 35 से 50 साल की उम्र के हैं और यदि आपको घुटने में दर्द शुरू हो गया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो का नाम है सेव योर जॉइंट वीडियो 1 और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको 35 से 50 साल की उम्र में आपको घुटने में दर्द शुरू हो जाता है और किस तरह से हम उसका इलाज करते हैं। तो बेसिकली यदि मैं घुटने में दर्द की बात करूँ, 35 से 50 साल बिना किसी चोट के आपको दर्द शुरू हो गया, जोड़ के अंदरूनी हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, तो इसका रीज़न जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जोड़ की, हमारे घुटने के जोड़ की एनाटमी क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसमें। यदि मैं घुटने की बात करूँ तो आपका ये, आपकी ये जांघ की हड्डी होती है, ये पैर की हड्डी, ये कटोरी, इसके अंदर जो है सब जगह आप भगवान ने कोटिंग लगा रखी है जो जोड़ को स्मूथ चलाती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। बीच में कुशंस होते हैं जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। बाकी दो लिगामेंट्स अंदर से, दो लिगामेंट साइड से जोड़ को चलते टाइम स्टेबल रखते हैं। यदि मैं घुटने की बात करूं तो घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, वजन गुजरता है आपके घुटने से, और वजन गुजरने के लिए सबसे सही तरीके से आपके घुटने में वजन गुजरे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके घुटने का अलाइनमेंट। तो जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका अलाइनमेंट जो है, नॉर्मल अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो मैं यदि कूल्हे के बीचों बीच से, यदि एड़ी के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं जिसको वेट बेयरिंग एक्सिस बोलते हैं, तो ये वेट बेयरिंग एक्सिस जो है नॉर्मली घुटने के बीच में से पास होनी चाहिए, जो आपका सिद्ध करता है कि आपका नॉर्मल अलाइनमेंट है। जिसकी वजह से यदि आपका जोड़ के बीच में से वजन गुजरने वाली लाइन यानी वेट बेयरिंग एक्सिस यदि जोड़ के बीच में से निकलेगी तो इसका मतलब है कि आपका वजन दो जोड़ के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और अंदरूनी कुशन और बाहरी कुशन को भी इक्वल वजन मिलेगा। अब यदि आप 35 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़े अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। उन अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स को जानने के लिए एक स्कैनोग्राम करके हम एक्सरे करते हैं। अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब है कि पैर अंदर की ओर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये अंदर की ओर टेढ़ा होना शुरू होने से आपका जो वजन गुजरने वाली लाइन है, यदि हम टेढ़े पैर पर ड्रॉप करें तो कूल्हे के बीच में से एड़ी के बीच वाली जो लाइन है वो जोड़ के अंदरूनी हिस्से से पास होने लगेगी, यदि जोड़ अंदर की ओर टेढ़ा होना शुरू हो गया है। उस वजह से आपका जोड़ जो है इकंगा वजन, एक साइड का वजन पूरा लेने लगता है और एक साइड के जोड़ में आपको दर्द शुरू हो जाता है और इधर के हड्डी में ज़्यादा प्रेशर होता है, साथ में कोटिंग भी इरोजन शुरू हो जाता है, जो आपको एक्सरे में एक साइड का गैप जो है वो कम होता हुआ दिखता समझ में आता है। अब यदि हम इसको सही टाइम पे डायग्नोज कर लें तो हो सकता है कि हम आपका जोड़ जो अगले 10 से 12 साल में घिसना है या 15 साल में घिसना है, हो सकता है हम उसकी उम्र 20 से 25 साल, 10 से 12 साल ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें। हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि प्रोग्रेशन जो है आपके जोड़ के घिसने की जो स्पीड है उसको हम कम कर सकें, और हो सकता है कि आपको जोड़ बदलने की जो बारी आनी है तो वो बारी जो है हो सकता है आए ही नहीं, और यदि आए भी तो जिस टाइम पे आने वाली है उससे 10-12 साल बाद आए।